का उत्तर स्पष्ट है कि अभी कोई इकाई ऐसी पाई नहीं गई। यदि आपके संज्ञान में हो तो तत्काल कठोर कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बैठे महोदय, ठीक नहीं आया प्रश्न का उत्तर दे। माननीय श्रीमती आराधना मिश्रा जी, प्रश्न संख्या 5। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश का किसान अन्नदाता है और उसको ईश्वर की श्रेणी में रखा गया, पर जो सबसे मूल बात है, एक कहावत है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अक्सर कहते हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं हो सकती। ये समय समय पर बहुत सारे ज्यादातर माननीय सदस्य जो सदन में बैठे हैं वो किसान परिवार से आते हैं। ये समस्या लगातार हम देखते आ रहे हैं कि खराब बीज की क्वालिटी से किसान के को मिलती है, जिसकी वजह से उसकी फसल की गुणवत्ता में भी असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है माननीय अध्यक्षता महोदय कि जब किसान फसल बोता है, अगर उसकी फसल बीज की वजह से खराब होती है तो केवल उसकी फसल नहीं नष्ट होती, उसकी समय, उसका मेहनत और उसके परिवार की आर्थिक व्यवस्था जो पूरे एक वर्ष उस पर निर्धारित होती है उस फसल पर, वो भी उससे नुकसान होता है उसका। माननीय हमारे कृषि मंत्री जी, बहुत सम्मानित कृषि मंत्री जी हैं, हम सब के बहुत वरिष्ठ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल, तीन अनुपूरक पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से। मेरे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब भेजा है उसमें लिखा है कि गुणवत्ता पर परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा किया जाता है। बीज जब आता है उसके पहले ये जो इन्होंने संस्था है, ये संस्था उसको प्रमाणित करके भेज देती है और क्रय केंद्र पे ये बीज पहुंच जाते हैं। क्रय केंद्र पे बीज केवल, और ये बीज आते कहां से हैं? बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो इन बीजों को की उत्पादन करके उसका परीक्षण कराते हैं इस संस्थान में और प्रमाणित होने के बाद उसको किसान तक इन क्रय केंद्रों के द्वारा पहुंचाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा पहला सवाल है कि ऐसे कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इन बीजों का उत्पादन करके सरकार को सप्लाई कर रही हैं, जो किसानों को पहुंचाती है? पहला प्रश्न मेरा। मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरे प्रश्न के भाग दो में जवाब आया है कि यदि शिकायत आती है बीज की तो उस पर उसका परीक्षण कराकर उस पर कार्रवाई की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि किसानों के भविष्य को जो समाप्त करने वाले ऐसे लोग हैं बिचौलिए, जो गलत बीज देते हैं और परीक्षण में उनके बीज की गुणवत्ता कम पाई जाती है, वो ऐसे कितने लोग हैं? कितनों का परीक्षण के बाद सरकार ने ऐसे कितने लोगों को, ऐसी कितनी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया? क्या कोई सूची बनाई है और उन पर क्या कार्रवाई की? तीसरा अनुपूरक है कि क्या ऐसे फसल की जिनकी गुणवत्ता इन बीज की वजह से ऐसी समाप्त हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ऐसे किसानों को, ऐसी फसल पर क्या सरकार कार्रवाई उनकी करने के अलावा किसानों को कोई मुआवजा देगी? ये मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री।